हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जो है एनसीएस के ऊपर करने वाला है। बेसिकली एनसीएस में तीन चीजें होती है, एक आता है एपीडीएल, एक आता है वर्क बेंच, एक आता है आपका सेफडी। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा हम एपीडीएल के ऊपर करेंगे। ठीक है, एपीडीएल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपकी जैसे बीम हो गई, स्ट्रेस हो गई, ट्रस हो गया, ठीक है, ये सब कुछ कुछ चीजें होती है, पॉइंट्स नोट वगैरह होते हैं, इसमें काम करना होता है आपके एनसीएस में एपीडीएल के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्यूरेट डाटा रहते हैं अकॉर्डिंग टू वर्कबेंच। वर्कबेंच के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो जो एपीडीएल होता है उसमें आपको बहुत एक्यूरेट डाटा मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हैंग होने का चांस नहीं होता है। एपीडीएल में कभी कभी क्रैश हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्रैश नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम जानते हैं। मेरे क्वेश्चन क्या है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो एपीडीएल है तो यहाँ पे मैंने करके रखा है, जो मेरा वैल्यूज वगैरह निकल के आ रहा, तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे मेरा जो है एक रेलवे ब्रिज है। तो ठीक है, एक मेरा ये रेलवे ब्रिज है। रेलवे ब्रिज में समझने वाली बात है, ये लेंथ वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, इससे मतलब नहीं है, इसको आप वैल्यूज पुट करना होता है। तो आपको सबसे पहले देखना है कहाँ पे क्या सपोर्ट दे रखा है। तो ये देख पाओगे ना, ये जो है फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, तो 0.1 में फिक्स सपोर्ट दे रखा है, और यहाँ पे हम देखेंगे 0.7 है, इसमें आप ये रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट मतलब ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई और जो जेड है वो फिक्स होता है। ठीक है, और जो फिक्स सपोर्ट होता है वो हर तरीके से फिक्स होता है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। नेक्स्ट आपको समझने वाली ये बात है कि कहाँ पे कितना लोड लग रहा है। यहाँ पे चारों जगह अलग अलग लोड लग रहा है। ठीक है, चारों जगह में अलग अलग लोड लग रहा है। तो हम जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन होता है, यहाँ पे जो है इसमें क्या पूछ सकते हैं, कोई भी एक पार्टिकुलर पॉइंट में कितना स्ट्रेस स्ट्रेन हो रहा है, कितना लोड पड़ रहा है, लोड की वजह से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये पॉइंट जो है ना, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है लोड की वजह से, ये जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा पूछ सकते हैं कोई भी एक पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, और इसमें इस पॉइंट में स्ट्रेस स्ट्रेन कितना आ रहा है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए आपकी पॉइजन रेशियो, और आपको होता है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है, हर एक यंग मॉडुलस तो आपको पता होना चाहिए, जो भी आप चीजें बनाते हो, मेटेरियल बनाते हो, इसमें क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना। तो ये क्या होता है, यंग मॉडुलस निकल जाता है। अगर यंग मॉडुलस पता है तो आपको पॉइजन रेशियो निकालना पड़ता है। पॉइजन रेशियो होता है क्या होता है, लेटरल स्ट्रेस, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वो पॉइजन रेशियो हो जाए। पॉइजन रेशियो अराउंड जो होता है हर मटेरियल का आपका सेम ही होता है, तो इसको हम 0.3 के अराउंड रखते हैं। 0.34, 0.33 के अराउंड आता है, तो 0.3 हम लेके चलते हैं। तो 0.3 लेके आप पॉइजन रेशियो चल सकते हो। ठीक है, क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं अगर आप एनसीएस के लिए जाते हो, तो ये चीजें को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, नेट कनेक्शन ऑफ कर दूंगा। तो अभी क्वेश्चन पूछ रहे, तो पहला जो केस कराऊंगा ना आपको एपीडीएल के ऊपर, वो मैं कराऊंगा ट्रस्ट के ऊपर, मेंबर के ऊपर। रेलवे की जो आपकी मेंबर्स होते हैं ना, ट्रस्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर कराऊंगा। तो अलग अलग, उसके बाद आपको बीम के ऊपर भी कराऊंगा, तो बताऊंगा आगे कैसे करा, पाइप के ऊपर भी कराऊंगा। तो अलग अलग केस में मैं कराते जाऊंगा। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, जो स्टार्टिंग होता है यहाँ पे नोड्स पॉइंट से, कीस पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, जे ये स्मॉल रेलवे ब्रिज, ये स्मॉल रेलवे ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन स्टील मेंबर्स। कंस्ट्रक्टेड मतलब ये स्टील मेंबर्स है, तो हम मेंबर्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, व्हिच हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लेना पड़ता है, इसकी जो क्रॉस सेक्शनल होता है ना, जो हर एक मेंबर्स की, हर एक बीम की क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया डालोगे तभी प्रॉपर रिजल्ट निकल के आएगी। ठीक है, ए ट्रेन इज स्टॉप ऑन ए ब्रिज, अगर ब्रिज के ऊपर ट्रेन चलता है या रुकते हैं, ब्रिज लोड अप्लाई, लोड ऑब्वियसली लोड अप्लाई होगा। लोड कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे, जहां जहाँ आपकी जॉइंट्स है। ठीक है, जहां जहाँ जॉइंट्स है वहां पे आप लोड अप्लाई होंगे, और जो आपके ट्रस्ट है उसमें डिफ्लेक्शन होता है, उसको हम कैसे करेंगे, उसकी स्ट्रेसन हम आगे निकालेंगे। ट्रस्ट मेंबर एज शोन इन पिक्चर, ठीक है, ठीक है, पिक्चर में हम देख पा रहे हैं। एस्टिमेट हाउ मच पॉइंट ऑन सेवन, पॉइंट सेवन में यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा रखा है, रोलर सपोर्ट लगा रखा है। फिक्स सपोर्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट करेंगे तो यहाँ फिक्स होगा, तो इस पॉइंट फिक्स होता है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे फिक्स नहीं, यहाँ जगह डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे रोलर है तो इस जगह डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, क्योंकि यार ब्रेक मारेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट, रोलर सपोर्ट देना पड़ेगा, फिक्स सपोर्ट मैं इधर दूंगा, है ना। तो इस केस में क्या बोल रहा है, और देखो यहाँ पे एस्टिमेट हाउ मच पॉइंट एंड सेवन मूव्स, मतलब पॉइंट किसे मूव करेंगे, एक्स और वाई में करेंगे, क्योंकि रोलर सपोर्ट है, या ऐसे ऐसे तो मूव तो करेंगे नहीं, यहाँ रोलर सपोर्ट है, इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, मतलब एक्स में करेंगे, वाई और जेड इसकी लॉक है। ठीक है, ठीक है, सेवन हैज सपोर्ट एंड वन इज फिक्स सपोर्ट, सेवन मूव हॉरिजॉन्टली बिकॉज ऑफ लोडर, एंड सेवन हैज रोलर सपोर्ट एंड वन इज फिक्स, वन है इसमें फिक्स सपोर्ट है।
डिटरमिन द नोट डिस्प्लेसमेंट। नोट डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे एनसीएस के लैंग्वेज में बोलते हैं इसको नोट, ठीक है। तो जो नोट है ना वो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो निकालना है। किस पॉइंट के लिए बोल रहा है, कोई भी है, सेवन नंबर पॉइंट के लिए ना, कोई भी सेवन नंबर, हम किसी पॉइंट में भी निकाल सकते हो। आपको जो वैल्यू चाहिए उसको आपको क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेना होता है, कैप्चर करना होता है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। देखो एलिमेंट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन निकालना है। एलिमेंट स्ट्रेस मतलब इस जो आपकी ये मेंबर है, ठीक है, ये जो मेंबर है, ये जो ट्रस है, इसकी स्ट्रेस स्ट्रेन निकालना है आपको। वो कैसे निकालना है, ये थोड़ा सा टिपिकल आता है, स्ट्रेस स्ट्रेन निकालना, ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है चीजें, कोई बात नहीं, इसको भी हम करेंगे। वेयर ई, इन ई मतलब यंग मॉडुलस, 200 GPA, 200 GPA है, तो इसको आप जो है इसको हम क्या कर देंगे, जीपीए को हम एमपीए में ले जाएंगे, ठीक है। पॉइजन रेशियो 0.3 होता है, मैंने आपको बताया ये कॉन्स्टेंट रहता है, 0.3, 0.34 ऐसे अराउंड आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है 0.3 लेके ही चलते हैं इसको। अब देखिए, अब यहां तक हो गया। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो वैल्यूज है ना इसको सिंप्लीफाई करना है। जहां पे मीटर में होगा इसको एमएम में ले जाना, जहां पे न्यूटन केन में है, किलो न्यूटन में है, इसको आप न्यूटन में ले जाना, ठीक है। ये दोनों सबसे पहले कर लेना, क्योंकि हम जो भी चीजें निकालेंगे एमएम में होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होता है, राइट। तो हम एमएम स्क्वायर में लिखाएंगे, न्यूटन किलो न्यूटन को हम न्यूटन में ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये टेबल बना लेना। अब टेबल मैंने कैसे बनाया, देखो एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट में मेरा नोड पॉइंट क्या होगा, 0 0, सब 0 0 है, मैं इसको मास्टर ले लेता हूँ। एक्स और वाई का सेंटर ले लेता हूँ, मैं इसको 0 0 करूंगा। पॉइंट टू, पॉइंट टू में, इसमें पॉइंट टू में कितना होगा, एक 4 mm है, 4 मीटर है ना, 4 मीटर को 2 मीटर हो जाएगा, और ऊपर कितना है, 3 मीटर, तो यहाँ पे क्या 2.3 कर दूंगा। इसको मैं अगर एमएम में कन्वर्ट कर दूंगा 2000 बाई 3000, ठीक है, 2000 बाई 3000 में इसको कर दूंगा, अगर मैं इसमें कर दूंगा को। अगर मैं थ्री में करूंगा, अगर मैं इसमें थ्री में करता हूँ तो क्या करूंगा, या 4 बाई 0, मतलब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है, 4 और 0 मतलब 4000 0। तो इसी इसी तरीके से, जैसे मेरा 6 है, 6 को मैं कितना रखूंगा, यहाँ पे देखूंगा 4 4 4 4 4, 8 हो गया, या इधर 4 है इसका, हाफ हो जाएंगे 2, तो 10 हो गया, और हाइट में 3, मतलब कितना हो जाएगा, 10 बाई 3। इसको हम एमएम में कन्वर्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10000 बाई 3000, ठीक है। तो इस तरीके से चारा जितना भी शार्ट है ना, चारा शार्ट को आपको निकल लेना है। कैसे निकाल लेना है, इसको मैं निकल के रखा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार निकल लेना, ठीक है, क्लियर। कुछ चीजें पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इस इतना जो है करना है, इसको पहले करना है, और इसको जो है किलो न्यूटन को न्यूटन में निकाल लेना, तो क्या हो जाएगा, 3 0 पीछे आ जाएगा न्यूटन में, मतलब 230 000 न्यूटन में निकल जाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे न्यूटन में, तो ये भी करना जरूरी है, इसको पहले पहले कर लेना एक अलग सा। जब इसकी कैलकुलेशन करते हो ना, तो उसमें अलग सा जो पेज होता है, अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं ये लिखा रहा हूँ, आप लिखते जाओ साथ में, अगर साथ में नहीं लिखोगे ना तो बहुत चीजें मिस कर दोगे, मैं बता दे रहा हूँ। ये ऐसा चीज है ना एपीडीएल, इसको 3 बार करोगे ना, चौथा नंबर आप कर लोगे, लेकिन आप 1 महीने बाद कर लोगे ना, इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं भी अपना नोट बना के रखा हूँ, जो आपको मैं नोट बना के रखा हूँ ना, वो नोट बना बना के मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी जैसे मैं करा रहा हूँ उसको अपने एंड से अपना नोट बना बना के उसको करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले एपीडीएल में, तो इसको आप पहले निकाल लो। निकल लेके हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे APDL 15, ठीक है, ये बैकग्राउंड में रहेगा, इसको ऑन रखने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई इशू नहीं है, हम इसको बैकग्राउंड पे रखने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, ठीक है। ठीक है, मेरा यहाँ पे जो APDL है वो ऑन हो जाएगा, धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, कुछ गलती हो जाएगा फिर पंगा पड़ जाएगा आपको, ठीक है। ओवर लाइट द कंटिन्यू, मैं इसको यस कर देता हूँ, ठीक है, आ गया मेरा APDL, ठीक है। देखो एक बार मैं समझा देता हूँ क्या होता है, ये न्यू फाइल देने के लिए होता है, न्यू एनालिसिस करने के लिए होता है। तो सबसे पहले ये सब नहीं करना, कोई बैकग्राउंड में फाइल होता है इसको राइस को आगे ऊपर लेगा नहीं, कोई बैकग्राउंड होता है इसको आगे पीछे करने के लिए होता है। पिकिंग रिसेट पिकिंग, कोई अगर गलती से उल्टा उल्टा हो गया इसको रिसेट पिकिंग कर सकते हो, ठीक है। ये आपका होता है लास्ट में जो आता है कंट्रोल मैनेजर, ये कंट्रोल मैनेजर में क्या होगा, क्या क्या चीजें है इसमें, रिक्वायर्ड पार्ट मॉडल फुट मैस, कोई पास को मैशिंग करते हो ना, ये थोड़ा आगे आएंगे, मैश मतलब हम 3D में करेंगे, ठीक है। मैशिंग करते हो तो कहीं में मैशिंग में प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप देख सकते हो कॉन्टेक्ट मैनेजर वगैरह में। फाइल में बहुत सारा चीजें आपको सेव करने के लिए, फोटो लेने के लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मिल जाता है। सिलेक्ट में आपको एंटिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। लिस्ट में आपका बहुत काम है, आगे मैं बताऊंगा, हर एक चीज यहाँ से भी ले सकते हो। प्लॉट में भी बहुत काम होता है, कंट्रोल प्लॉट भी बहुत ज्यादा काम होता है, ये सारा चीज यूज होता है। वर्क प्लेन मतलब कौन से प्लेन में आप काम कर सकते हो, उसको आप यहाँ से भी सेंड करते हो, वहाँ से भी सेंड करते हो। पैरामीटर, कोई कोई अगर वैल्यू पैरामीटर सेंड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो।
माइक्रो इतना काम का नहीं है, मेनू कंट्रोल आपका इतना नहीं है, कलर सिलेक्शन वगैरह चेंज करने के लिए काम आता है, हेल्प तो बताइए आपको, एफ डीपी, डीपी क्या होता है आगे बताऊंगा, क्वाइट क्या है, पैराग्राफ निकालने के लिए काम आता है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, हर जगह आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो ये तो बेसिक थोड़ा सा फंडा है इसकी। तो सबसे पहले हम कौन सी व्यू में है, एक्स वाई व्यू में है, तो कहाँ से हम देख सकते हैं, एक्स वाई व्यू यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड तीन प्लेन में देख सकते हो, अगर आइसोमेट्रिक करोगे तो आइसोमेट्रिक में जा सकते हो। मैं अभी कौन सा प्लेन में हूँ, एक नंबर प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन में हूँ, ठीक है। आज का डेट क्या है, यहाँ पे जो है डेट वगैरह आपका बनते रहते हैं, सेकंड वगैरह बनते रहता है, जैसे जैसे आप करते जाओगे ये चीजें बनते जाएगा, क्योंकि एनसिस में हर, अगर मैं इंडिया में कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ और ऑस्ट्रेलिया में कोई एनालिसिस कर रहा हूँ, यूके में कर रहा हूँ, तो अलग अलग वैल्यूज मिलती रहती है, तो टाइम जो है हमेशा ये टाइम यहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नोट्स में है, सबसे पहले नोट्स में है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रेफरेंस में जाऊंगा, प्रेफरेंस में जाके मेरा जो पहला जो है मैं किस में करूंगा, स्ट्रक्चरल में करूंगा, ठीक है। ये सब जो होता है किसमें आती है, स्ट्रक्चरल में आएगा, स्ट्रक्चरल में आएगा ना, बीम वगैरह कहाँ पे आती है, लोड एरिया, ये सब स्ट्रक्चर में आता है, तो स्ट्रक्चरल में जाऊंगा मैं, ठीक है, ओके कर दिया। सबसे पहले स्ट्रक्चरल में गया, उसके बाद जो है मैं कहाँ पे जाऊंगा, स्ट्रक्चरल मैंने सेव दे दिया, उसके बाद जाऊंगा मैं प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर में जाने के बाद सबसे पहले मेरे को देना पड़ेगा एलिमेंट, मैं कौन से एलिमेंट में काम करता हूँ, तो एड एलिमेंट करूंगा मैं, एड एलिमेंट के बाद अब मैं क्या एलिमेंट क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ऐड करूंगा तो मैं किस में काम कर रहा हूँ, मैं लिंक में काम कर रहा हूँ, बीम में काम कर रहा हूँ, मैं लिंक में काम कर रहा हूँ ना, कि लिंक है एक दूसरे से लिंक है, तो मैं यहाँ पे लिंक में जाऊंगा, यहाँ पे क्या रखना है आपको, 3D फिनिश 10180 रखना है, ठीक है। तो इसको आपको रखने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, ओके कर देना है, तो यहाँ पे टाइप वन लिंक आ जाएगा। अब इसको लिंक को हम बाद में सेंस करेंगे, ठीक है, सेंस नहीं करेंगे, इसकी क्रॉस सेक्शन डालूंगा मैं, कैसे क्रॉस सेक्शन डालना है, जैसे आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखा हो ना मैं क्रॉस सेक्शन का, वो मैं क्रॉस सेक्शन का कुछ चीजें डाल दूंगा, ठीक। यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं, तो उसके बाद आते हैं हम मटेरियल प्रॉपर्टीज में। मटेरियल प्रॉपर्टीज में कि जो आप स्ट्रेन यूज कर रहे हो, जो आप मेंबर यूज कर रहे हो, जो आप चीजें यूज कर रहे हो, उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या है, वो प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अब देखो मटेरियल लाइब्रेरी होता है एक, तो है ना, एक होता है मटेरियल मॉडल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मटेरियल लाइब्रेरी में गया, तो यहाँ पे मेरे को जो चीजें सही है यहाँ पे है नहीं है, तो मेरा जो मॉडल है, मैं लाइब्रेरी में कुछ चीजें डालना था तो डाल सकते हो, मैं यहाँ पे सीधा नहीं करूंगा, हमको क्या करना पड़ता है, हम यहाँ से जाएंगे मटेरियल मॉडल पे जाएंगे, मेटल मॉडल, तो मेरा क्या स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल में क्या लीनियर नॉन लीनियर, मेरा लीनियर है ना, डेंसिटी डालना है तो डेंसिटी भी डाल सकते हो दोस्त, आगे बताऊंगा डेंसिटी वगैरह डालना, थर्मल एक्सपेंशन है तो इसकी वैल्यू भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को सीधा क्या करना है, और जब भी तो स्टार्टिंग है एपीडीएल का आपका, ट्रस्ट के ऊपर करा रहा हूँ मैं, मेंबर के ऊपर करा रहा हूँ, तो मैं लीनियर में जाऊंगा, इलास्टिक है ऑब्वियसली भाई, इलास्टिसिटी है उस लीनियर मेटल का, आइसोट्रोपिक है, एनिसोट्रोपिक है और एनोस्ट्रोपिक है, कौन से मैं करूंगा, सबसे पहले आपको क्या होता है ना, जो भी स्ट्रक्चर होता है आइसोट्रोपिक का बनता है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू मिल गया आपको ई एक्स का, ई एक्स मेरा कितना है, तो यहाँ पे अगर आपको देखना है जो आपका ई एक्स है 200 जीपीए है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 200 E3 जीपीए को एमपीए में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है ये हम 0.3 करके यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया मेटल प्रॉपर्टी, मतलब मैं यहाँ पे मेटल की प्रॉपर्टीज दे दिया, और इसमें मेटल प्रॉपर्टीज में मैंने क्या कर दिया, एक तो मैंने इसकी यंग मॉडुलस दे दिया और एक मैंने इसकी पॉइजन रेशियो दे दिया, ये भी देना बहुत जरूरी है, पॉइजन रेशियो और यंग मॉडुलस देना आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, उसके बाद आपका पास देखो अभी जो आपके पास आता है ना, अभी बात करते हैं, मैं जैसे 15 यूज करता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं 19 भी यूज करा हूँ, मैं 22 भी यूज किया हूँ जो अभी नया लॉन्च हुआ है। तो अगर आप 15 से ऊपर यूज करते हो ना, तो उसके बाद जो हम सेक्शन डालते हैं, सेक्शन में हम क्या डालेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया डालते हैं, जैसे आपने हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया डाला है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ 18-15 के, हाँ 2850 जो है मैं एमएम स्क्वायर में है, तो इसको जो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया डाला है ना, वो अभी डालना पड़ेगा, जो आपने ट्रस्ट दिया है, जो आपने लिंक दिया है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया डालना पड़ेगा। तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ना, जो आपको कहाँ मिलेंगे, सेक्शन में मिलता है बेसिकली, यहाँ पे सेक्शन में मिलता है, लेकिन सेक्शन में मैं जाऊँगा ना, तो यहाँ पे मेरे को कोई लिंक नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बीम है, जॉइंट है, पाइप है, तो इसमें तो कोई आपका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है। सेक्शन लाइब्रेरी में जाऊंगा ना, यहाँ पे लाइब्रेरी पार्ट मिलती है, तो यहाँ पे तो मैं डाल नहीं सकता हूँ, मैं तो यहाँ पे डाल नहीं सकता हूँ ना, मतलब मैं कैसे डालूंगा फिर। इस केस में जो 15 होता है ना, ऐसा नहीं तो 15 में हम नहीं कर सकते, वो चीजें कर सकते हैं ना, हम लिंक का भी हम कर सकते हैं, जो लिंक वाले केस होता है, तो यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे, कुछ यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, तो अब जो है उसको अलग टाइप में करोगे, ठीक है। तो इसको कहाँ पे करोगे, मतलब यहाँ पे तो मेरे को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम करेंगे रियल कॉन्स्टेंट में,
तो रियल कांस्टेंट में आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पे ऐड एडिट डिलीट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे जाएंगे। ऑलरेडी हमने डिफाइन नहीं करा है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा। जाने के बाद देखो लिंक वन जो मैंने पहले डाला था, लिंक वन 180 डाला था ना मैंने, तो वो लिंक को आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे जो आपकी रियल कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे एक नंबर है। देखो अगर हमने जितना भी हम यहाँ पे लिंक यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग का सेम रख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग होगा, मान लो वन का अलग है, टू का अलग है, तो यहाँ पे इसको अलग अलग सेट करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, तो यहाँ पे आप देखोगे 2850 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया डालूंगा 2850, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है टेंशन और कंप्रेशन दोनों होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड रखना है, तो हम देखो कहाँ से मिला मुझे, यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर उसमें होगा तो आपको उसमें लिंक में जाके मिल जाएगा, 15 से ऊपर होगा। तो दोनों तरीका पता होना चाहिए ना, कभी आप उसमें करते हो तो फिर फंस जाओगे। दोनों तरीका बताना मेरा जरूरी है। तो यहाँ पे जाके जैसे अप्लाई कर दूंगा मैं, अप्लाई करने के बाद अगर ओके कर दोगे तो एक ही रह जाएगा। अगर मान लो दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, इसमें 2850 mm स्क्वायर है, किसी में मान लो 1200 है, कोई वाला क्रॉस सेक्शन कम पतला वाला है, तो इसमें अप्लाई करोगे तो ये देखो अप्लाई कर दूंगा ना, तो ये रह गया। तो एक तो ऑलरेडी शेयर हो गया, दूसरा करना है तो यहाँ पे टू डाल दो, शैलो फेंस कर दो, अप्लाई कर दो। तीन है अलग अलग क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे कर सकते, तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एक हो गया। एक होने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें कर दूंगा क्लोज। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया एक ही सेट कर दिया। समझ में आ गया ना, अलग अलग होगा। देखो मेरा तो एक है, कल मान लो आपको अलग दो क्रॉस सेक्शन दे दिया, दे सकता है ना। इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि आपको अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो इसमें क्या करोगे आप, तो क्या करोगे, तो फिर ये तरीका होता है ना, उस तरीके से आप कर सकते हो। कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है, देखो थोड़ा सा क्रैश हो गया ये, ठीक है। तो इसमें स्क्रॉल मत कर देना, अगर स्क्रॉल कर दोगे तो ये क्रैश हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ तक हमने कर दिया मॉडलिंग पे, हमने रियल कॉन्स्टेंट सेक्शन वगैरह हमने डाल दिया अलग अलग सेक्शन का, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब जो है इसमें ध्यान ये रखना है, अभी मेरे को इसकी जो अलग अलग पार्ट है उसके मेरे को मॉडलिंग करना है, ठीक है। मॉडलिंग मतलब ये बनाया था ना मैंने, ये डालना है अभी आपको, इसकी पॉइंट डालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको साइड में ले आएंगे। साइड में लाने के बाद अब इसको ले आएंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे क्योंकि गलती ना हो, इसीलिए हम इसको जूम कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, नोट्स में जाएंगे, ठीक है, मॉडलिंग में जाएंगे। मॉडलिंग में जाने के बाद यहाँ पे हम जो है नोट्स में जाएंगे, ठीक है, क्रिएट में जाएंगे, मॉडलिंग नोट्स। अब नोट कहाँ मिलेंगे मुझे, यहाँ पे क्रिएट में मिल सकता है, तो क्रिएट में जाएंगे तो मेरे को नोट मिल जाएंगे। नोट में जाएंगे क्या करेंगे, इनएक्टिव सीएस, इनएक्टिव सेव करेंगे। अब देखो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट देना है, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट देना है। यहाँ नोट पॉइंट एक, एक में कितना करना है, एक्स और वाई जीरो रखना है, एक्स और वाई और जेड जो है जीरो। जेड तो मेरा कोई वो नहीं है, अब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, तो देखो एक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक्स वाई जेड लोकेशन ऑन एक्टिव थे वाई, यहाँ पे कुछ देना है, रोटेशन एंगल वगैरह, यहाँ पे रोटेशन लॉक करना होता है, तो यहाँ पे वो रोटेशन लॉक के लिए दे सकते हो, यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टू करेंगे, टू में क्या करूंगा मैं, यहाँ पे दो नंबर में मेरा क्या है, देखो दो नंबर में क्या है, 2000, 2000 और यहाँ पे 3000, ठीक है। अप्लाई आ गए, एक देखो दो नंबर यहाँ पे आ गया। अब तीन नंबर रहना है, ओके मत कर देना, ओके नहीं करना है, ठीक है। अभी थ्री नंबर में मेरा क्या है, 4000, 4000 है और यहाँ पे क्या है, इसको जीरो कर देना है, 4000 और जीरो, अप्लाई आ गया, ठीक है। अभी हम जाएंगे फोर में, तो ये इसीलिए पहले बनाना होता है, जल्दी आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6000 और यहाँ पे 3000 आपका, ठीक है, अप्लाई कर देना है, आगे चार। अब फिफ्थ में जाना है, ये देखो कितना जल्दी हो रहा है, नहीं तो आपको एक एक चीज देखना पड़ेगा, बार बार उसमें जाना पड़ेगा, फिर अगेन उसमें आना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा, बहुत हेडेक हो जाता है, कुछ चीजें फेलू गलती होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम फाइव में आते हैं, तो फाइव में क्या है, 8000 जीरो, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब उसी लेंथ पे है, जीरो। सिक्स में आते हैं, सिक्स में क्या है, 10300 ना, 10000 और 3000, ठीक है, तो 3000 में आ गया मैं, ठीक है। सेवन, सेवन में क्या है, 12000, ठीक है, और यहाँ पे जीरो, ठीक है, अप्लाई, और हो गया, सब चीजें आ गया ना, सारा पॉइंट आ गया ना ये, अब ओके कर दूंगा। तो ये करना बहुत जरूरी है, अब इतना तो करना ही करना है आपको, क्योंकि अभी आपने मॉडलिंग करा है, मॉडलिंग में आपने नोट बनाया, मतलब पॉइंट्स बनाए आपने। अब पॉइंट्स बना के इतना चीजें आपने पॉइंट बना के रख दिया है, अब उस पॉइंट को क्या करना है, कनेक्ट करना पड़ेगा, उस पॉइंट तो ऐसे बनेगा नहीं, उस पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पॉइंट को कनेक्ट कैसे करूंगा, इसको आपको सेव कर लो सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम सेव कर देंगे फाइल,
सेव डॉक्यूमेंट करना है, सेव एस कहाँ करना है, सेव जो है यहाँ पे इसको हम डीबी का डीबी फाइल को सेव कर ले, ठीक है। उसको हम सेव कर लिए। अब उसके बाद जो है क्या करना है आपको, मॉडलिंग कर लिए, अब मुझे एलिमेंट को ज्वाइन करना है, एलिमेंट को ज्वाइन करना है। तो एलिमेंट को ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, अभी नोड हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब जाएंगे एलिमेंट पे, ठीक है। एलिमेंट मतलब ये एक अलग अलग एलिमेंट को ज्वाइन करना है। एलिमेंट में जाएंगे ऑटो नंबर, ठीक है, थ्रू पॉइंट्स क्या करेंगे, ऑटो नंबर करेंगे, थ्रू पॉइंट करेंगे, ऑटो नंबर पे गया, थ्रू नोड्स, नोड्स मतलब पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के थ्रू हम करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे वन और टू अप्लाई करके, यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ये और ये सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है, ये और ये सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है, ये और ये सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है, ये और ये सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है, ये और ये सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है, ओके मत कर देना, ठीक है। कभी कभी ये गलती हो जाता है ना, तो उसको डिलीट करना भी पड़ता है। मान लो यहाँ पे या इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, आपने स्ट्रक्चर दे दिया, तो उसको कैसे डिलीट करोगे, डिलीट करना भी जरूरी होता है, ये बहुत पंगा पड़ता है। ये हो गया सारा चीजें तो हो गया, ओके कर दूंगा। जब गलती करते हो ना डिलीट में, तो आपको क्या करना होता है बताए, आपको यहाँ पे जाना है, जाने के बाद यहाँ पे देखो ऑपरेट में आता है डिलीट, डिलीट में भी जाओगे ना वो सारा चीजें मिलेंगी, की पॉइंट को करना है, नोट को करना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे उस पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, ओके अप्लाई कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ से भी सब चीजें कर सकते हैं, एलिमेंट में जाओगे, एलिमेंट जिसको हटाना है इसको सिलेक्ट करना है तो इसको डिलीट कर सकते हो, डिलीट कहीं गलती से ओके होता है तो यहाँ से आप कर सकते हो। देखो मैं कर रहा हूँ सही हो रहा है, आप कर रहे हो गलत होगा, तो उसको फिर आप परेशान हो जाओगे, सर डिलीट नहीं हो रहा मैं कैसे करूंगा, तीन तीन बार कर देना पड़ता है, दो दो बार करना पड़ता है। तो ये तरीके से इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका से आपको ठीक कर सकते हो, ये सब चीजें आपको कहीं मिलेंगी नहीं, लोग बनाएंगे कैसे बनाना है, लेकिन गलती होता है तो ठीक कैसे करोगे, वो चीजें भी पता होना चाहिए ना आपको। यहाँ पे ऐसा नहीं गलती हो गई मतलब गलती हो गया, डिलीट करना मतलब पूरा एक पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, कभी कभी तो आप स्टार्टिंग से करना पड़ता है, कभी कभी इतना अंदर घुस जाते हो ना, लगभग 1 घंटा आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हो, कहीं इतना अंदर घुस जाते हो, उसके बाद जो है आप देख पा रहे हो सारा चीजें गलत हो जाता है, क्या करोगे फिर, नया से करना पड़ता है 1 घंटा। आपने 1 घंटा दिमाग लगा लगा के कुछ एक एनालिसिस करते गए, आप 1 घंटे बाद क्रैश हो गया फिर, इसलिए टाइम टू टाइम इसको सेव करना बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम इसको सेव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये करते रहो, ठीक है, टाइम टू टाइम उसको सेव करते रहो। अब देखो यहां तक हो गया, अब उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिंक जो है मैंने बना दिया है, अब आपने वो करना ही है, रुक जाओ फोन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बना लिया है, अब मैं जैसे जैसे करते जा रहा हूँ ना आप भी वैसे वैसे कर लेना, करने से पहले एक बार उसको खुद कॉपी में लिख लेना कैसे कैसे कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या चीजें डाल रहा हूँ, कॉपी में लिख के ही उसको करना। अगर कॉपी में लिख के नहीं करोगे तो देख देख के करोगे, यहीं पे गलती हो जाएगा। एक बार कॉपी में सारा चीजें एक एक स्टेप लिख लेना, मैं कहाँ से क्या कर रहा हूँ, कहाँ से क्या मिल रहा है, उसके बाद ही करना, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा हो गया है, अब हम इसमें क्या करेंगे, मेसिंग का काम है कि नहीं, इसमें मेसिंग का काम नहीं है, क्यों मेसिंग का काम नहीं है, इसमें कोई 3D ऑब्जेक्ट नहीं है, 3D होगा तो हम मेसिंग करेंगे आगे, जैसे पाइप वगैरह के केस करेंगे ना हो गए मैं, तो उस पर मैं मैशिंग कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैशिंग नहीं है, तो मैं यहाँ पे सीधा जाऊंगा सोल्यूशन में, सोल्यूशन में जाऊंगा, ठीक है। सोल्यूशन में जाने की बात, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ पे लोड लगाना है, कहाँ पे क्या लोड है क्या नहीं है मुझे लोड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिसिस टाइम में जाएंगे, न्यू एनालिसिस जो है स्टेटिक है, ठीक है, ओके, स्ट्रक्चरल स्टेटिक का हम काम कर रहे हैं क्योंकि स्टेटिक है इसमें, तो डिफाइन लोड, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे डिफाइन लोड, डिफाइन लोड, उसके बाद अप्लाई में जाएंगे, स्ट्रक्चरल में था हमने स्ट्रक्चरल लिया था। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ देना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है बताया, डिस्प्लेसमेंट होता है जहाँ पे फिक्स सपोर्ट होता है, हम वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो यहाँ पे किसको फिक्स सपोर्ट करना है, नोच को करना है ना, मेरा यहाँ पे नोच है, तो ऑन नोच करेंगे, नोच को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने में यहाँ पे अगर ये फिक्स है तो ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम को लॉक करेंगे, यहाँ पे ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोड करेंगे, तो इसमें मैं क्या कर लूंगा, अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिक्स सपोर्ट आ गया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, एक को मैंने फिक्स सपोर्ट कर दिया तो ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम कर दिया, अब दूसरे में मेरे को क्या है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगाना है। अब रोलर सपोर्ट में क्या होता है, नोट्स में डालना है, यहाँ पे भी हम ऑन नोट्स जाएंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या है, देखो ये जो है ना एक्स में मूव करेगा ना, ये रोलर सपोर्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई इसको हटाओ पहले, वाई और जेड इसको मेरे को लॉक करना है, वाई जेड मतलब वाई और जेड ये लॉक करना है, एक्स में लॉक घूमेगा ही, वाई को करना है और जेड को करना है, जेड मतलब जैसे आप स्क्रीन देख पा रहे हो उसके डायरेक्शन में है, तो मेरा जेड ओ एक्स जो है फ्री रहेगा, वाई जेड लॉक रहेगा, इसको हम कर देंगे यहाँ से अप्लाई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रोलर सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंगल आ गया, तो ये मेरा हो गया रोलर सपोर्ट। तो आपने फिक्स सपोर्ट कैसे करना है अपने को समझ में आ गया, रोलर सपोर्ट कैसे करना है, फिक्स सपोर्ट मतलब ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सारा जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना उसको लॉक करना है, और जो रोलर सपोर्ट है, रोलर मतलब एक डायरेक्शन में रोल होता है, वो एक डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्स कौन सा, ये है
इस डायरेक्शन में रोल हो सकता है, लेकिन वाई और जेड लॉग है, तो मैंने एक्स को फ्री रखा और वाई जेड को मैंने लॉक कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्स और वाई दोनों को आपको देखना है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहां तक हो गया है। अब आते हैं मेन चीज में, अब हमने को क्या लगाना है, अब हमने को कहां पे कितना लोड आ रहा है, कितने में कितना थ्रस्ट आ रही है, कितने में फोर्स आ रही है, कहां प्रेशर आ रहा है। अब देखो प्रेशर और फोर्स, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। अब आप समझते हो ना, यूडीएल यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और कौन सी लोड होता है, अलग अलग लोड होता है ना, इसके ऊपर मैं आगे आऊंगा। इसमें इतना अगर हमें कॉम्प्लिकेटेड अंदर घुस जाऊंगा ना, तो बहुत चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। प्रॉपर इंजीनियरिंग है भाई, इसमें प्रॉपर इंजीनियरिंग है, हर एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। आपको यूडीएल निकालना नहीं आता है तो भाई, ठीक है। तो ये होता है कहाँ पे फिक्स लोड है, कहाँ पे मूविंग लोड है, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहाँ पे हो रही है, तो सारा चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना इसको करने से पहले, कुछ कुछ चीजें आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आगे करूंगा मैं, आगे आएगा चीजें, कहाँ पे मैं यूडीएल लगा रहा हूँ, कहाँ पे क्या लगाऊंगा, उसके ऊपर भी आगे आऊंगा। यहाँ तक हो गया, तो अपने को अभी क्या करना है, फोर्स और मोमेंट लगाना है। ठीक है, तो मोमेंट क्या होता है और फोर्स क्या होता है। मोमेंट क्या होता है, कहीं पे एक रोटेशन एंगल होती है ना, और फोर्स होता है किसी पर्टिकुलर जगह में लोड लग रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या जाऊंगा, यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा। फोर्स में जाए ऑन क्या करना है मुझे, ऑन नोड, नोड में दे रहा हूँ ना, यहाँ पे देखोगे ना तो ऑन नोड में दे रखा हो, देखो पॉइंटो में दे रखा हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ऐसे कर लेंगे। ओ यार ये तो चला गया, गलती हो गई भाई, ये तो चला गया, क्या करूंगा मैं। प्लॉट कंट्रोल में जाना है, स्टेप एंड स्टाइल में जाना है, एज एंड टाइप में, यहाँ पे जो है सारा चीजें, इसको डिस्प्ले द एलिमेंट, इसको हम ऑन कर सकते हैं, एक तो इससे भी कर सकते हो, इसको हम 3D बनने की बात करेंगे। ठीक है, तो प्लॉट यहाँ पे जाके मल्टीप्लॉट, तो ये आ जाएगा, नंबर चला गया। अब तो यहाँ पे जाना है नंबरिंग में, जाना है नंबरिंग में, जाने के बाद आपको क्या करना है ना, की पॉइंट नंबर को ऑन कर देना है। की पॉइंट नंबर आ गया, नहीं आया, नोड नंबर आ गया। ठीक है, की पॉइंट है, की पॉइंट से करूंगा तो की पॉइंट को ऑन करूंगा, नोड नंबर को करूंगा तो नोड नंबर ऑन करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, नहीं तो दिखने में दिक्कत आएगी। देखो अब हम की पॉइंट में गया, यहाँ पे जाने की बात, यहाँ पे की पॉइंट किस में, की पॉइंट में है, नोट्स में है, मेरे को नोट्स में है, नोट्स के साथ और नोट, देखो नोट्स पॉइंट है, नोट है, हम क्या करेंगे ऑन नोट्स लेंगे। ठीक है, ऑन नोट्स मतलब ये हो गया। अब सबसे पहले किस में लोड लगाना है मेरे को, मेरे को देखो यहाँ पे किलो न्यूटन को न्यूटन में ले जाना। ठीक है, तो इसमें लास्ट में 30 में प्लस कर दूंगा। क्लियर, तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, नंबर वन, नंबर वन में क्या है, 230 है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने अप्लाई करूंगा, अप्लाई करूंगा मतलब किस डायरेक्शन में आएगा, नीचे डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन मतलब ये वाला में, वाई मतलब प्लस में जा रहा है, मुझे वैल्यू माइनस में डालना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं, माइनस क्या करना है, 230 एक दो तीन ऐड कर देना है, अप्लाई कर देना है। अप्लाई देखो यह डायरेक्शन नीचे की तरफ आना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये जो डायरेक्शन है ना ये हमेशा नीचे की तरफ आना चाहिए, ऊपर की तरफ प्लस में लोगे ना ऊपर की तरफ जाएगा तो गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। उसी के साथ प्लस ऊपर डायरेक्शन, नीचे डायरेक्शन कैसे करना है ये भी आपने समझ गया। अब मैं थ्री में आता हूँ, तो थ्री में मेरा कितना लोड है, 180 है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 180 है ना, 180। ठीक है, अप्लाई, माइनस डायरेक्शन नीचे की तरफ आएंगे। थर्ड में आऊंगा मैं, अप्लाई, तो इसमें क्या करना है, 130 गलत हो जाता है ना, इसको हटा सकते हो आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उस तरीके से हटाना है, कहाँ पे बताऊंगा मैं अभी, रुको, 130 है और लास्ट में जो है 180 है, इसमें सिलेक्ट करना है, अप्लाई में जाना है, 180। ठीक है, तो 180 अप्लाई करके ओके कर दिया, तो ये सारा लोड आपका लग गया है यहाँ पे, आपने देखे हैं सारा आपका लोड लग गया है। मान लो मेरा यहाँ पे गलत हो जाता है, मान लो मेरा यहाँ पे गलत हो जाता है तो मैं उसको कैसे ठीक करूंगा। अगर गलत हो जाता है ना, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है ना, तो आपको इस तरीके से डिलीट का भी ऑप्शन मिलेंगे। डिलीट में जाओगे तो स्ट्रक्चरल में जाना है, किस में आपने किया था अभी, फोर्स मोमेंट में जाना है, किसको हटाना है, नोट्स को हटाना है, जिसको हटाना है सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट कर दो बस, सिलेक्ट करके अप्लाई कर दो, और उसके बाद अगर देखना है तो प्लॉट में जाके मल्टी प्लॉट कर देना, तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा प्लॉट। मल्टी प्लॉट मतलब प्लॉट, और ये मल्टी प्लॉट मतलब रिफ्रेश का काम करता है, ये रिफ्रेश का काम करता है, जैसे आप कुछ चीज बनाते हो राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देते हो ना, तो सेम इसी तरीके से ये भी रिफ्रेश का काम करता है आपका प्लॉट और मल्टी प्लॉट। ये देखो यहाँ फेलूस वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, इसको लाना पड़ेगा, कैसे लाऊंगा बताऊंगा मैं आगे, समझ गए ना प्लॉट और मल्टी प्लॉट का काम क्या होता है। इसी तरीके से कंट्रोल में जाके बहुत कुछ चीजें मिल जाती है आपको, किसी का फोटो लिखना है, इसके मगर वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लिख के सेव बेस करके आप उसकी फोटो निकाल सकते हो, कहीं
पीडीएफ में मान लो कोई वैल्यू डालना है, आप कैसे डालोगे इसमें? ऐसे डालोगे ना उसकी, आप पीडीएफ निकालोगे, इमेज निकालोगे ना, तो उस तरीके से करोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है इसको हटा लेते हैं, सॉल्यूशन में आया, उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। जेरेलियल प्रोस्पेक्टस में जाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद मेरे को रिजल्ट देखने के लिए हम यहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन मेरा तो यहाँ तक हो गया ना, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करंटली लेस, यहाँ पे ओके। देखो ये सॉल्यूशन इज डन आना चाहिए, अगर ये सॉल्यूशन इज डन नहीं आता है ना तो कहीं पे आपको कुछ स्टेप मिस है। ये जब भी इसको करते हो ना तो सॉल्यूशन इज डन हुआ या नहीं हुआ ये जरूर देख लेना। अगर ये डन नहीं आता, ये इसके लेखा नहीं आ रहा है ना, तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ी है इसमें, तो इसको ठीक करना है, ठीक है। ठीक है तो इसको क्लोज कर देते हैं और जो है इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ तक हो गया, आपका सॉल्यूशन बन गया, लेकिन अभी सॉल्यूशन ही बना है, आपको अभी रिजल्ट नहीं मिला है। आपने जो चीजें फेल्यूज पुट करा है, जो आपने फोर्स दिया थे, वो सारा चीजें हम सॉल्यूशन कर दिया, मतलब वहां तक हमने ओके कर दिया, मतलब ये खत्म हो गया, मतलब ये सिस्टम ने बोले हाँ यहाँ तक ठीक है आपका। अब आपको स्ट्रेस स्ट्रेन निकालना है, कहाँ से कितना लोड कौन पॉइंट पड़ रहा है। अब ये जो आपकी मेंबर है, जो आपके ट्रस है, उसमें कितना लोड पड़ रहा है, ये पॉइंट कितना डिफ्लेक्शन होगा, अभी वो चीज आपको करना है। तो यहाँ तक आपका जितना भी वैल्यू वगैरह पुट करना था वो तो खत्म हो गया। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन खत्म है, अभी हम यहाँ काम करेंगे, जनरल प्रोस्पेक्ट में हम काम करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर वगैरह गायब होता है, तो मैंने आपको बता दिया, प्लॉट कंट्रोल में जाके, नंबरिंग में जाके आप डाल सकते हो। अगर देखो यहाँ तक हमने कर दिया प्लॉट कंट्रोल, मल्टी क्रॉप मतलब रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। उसके बाद एक ऑप्शन और आता है, ये नंबर होता है, ये क्या नंबर होता है ना, ये मेंबर का नंबर होता है, ये मेंबर का नंबर होता है, कितने स्ट्रेस पड़ता है, इसको हम आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी इसको करने के बाद बताऊंगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, प्लॉट रिजल्ट पे जाएंगे, अब रिजल्ट प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉट रिजल्ट में जाके हम क्या करेंगे, इसमें डिफॉर्म शेप, डिफॉर्म शेप में गया, डिफॉर्म एंड अनडिफॉर्म, कहाँ पे डिफॉर्म भी हो रहा है अनडिफॉर्म भी हो रहा है वो भी करके अप्लाई कर देना है। तो आपको देखोगे, देखो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ट्रेन के जहाँ पे लोड पड़ रहा है, तो ये पॉइंट देखो कितना ही जा रहा है, 4 पॉइंट मैक्सिमम लोड यहाँ पे हो रहा है। अब देखोगे बीच में ज्यादा लोड पड़ता है ना, जो डिफ्लेक्शन होता है बीच में ज्यादा पड़ता है, तो आप देखो ना यहाँ 4 नंबर और 5, 3 यहाँ पे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट देना ही पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा ये आगे जाएगा। ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। अगर इसको रोलर सपोर्ट में फिक्स सपोर्ट कर देता है तो यहाँ पे मैक्सिमम लोड होता है, डिफॉर्मेशन का संस बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो ना डिफॉर्मेशन कितना है, 0.680, ये जो है ये वैल्यूज होता है, ये डीएमएक्स, इसकी एक आप यहाँ से जाके प्लॉट में जाके क्या करना है आपको, सॉरी यहाँ पे जाके एक कैप्चर कर लेना। इसमें पूछता है डीएमएक्स कितना है आपका, ये डीएमएक्स वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो डीएमएक्स क्या होता है इसके बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आपको जो है, एक तो आपको डिफॉर्म एंड अनडिफॉर्म आपको शेप मिल जाएगा। अब हम आते हैं इसमें, मैं अब मेरे को किसी प्लॉट में कितना देखना है, अब मैं जाऊंगा प्लॉट कंट्रोल में जाऊंगा, नंबरिंग में जा रहा हूं मैं, ये इसको ऑन कर दूंगा, इसको ऑन करने में अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब इसको मैंने ऑन कर दिया, लेकिन मैं अभी प्लॉट कंट्रोल करना है, मुझे नंबर एक वैल्यू डालना है। अब मैं क्या करूंगा, कॉन्टूर प्लॉट, नोडल सॉल्यूशन, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर सम अप्लाई कर देना, ठीक है ओके। अब देखो आपकी जो पॉइंट्स है कितने डिफ्लेक्शन आ रही है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ जा रहा है, 6.41, 6.84 का आ रहा है कहीं पे, 6.84 देखो यहाँ पे कितना हो गया, 1, 2, 3, 4 चार नंबर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कितना हो रहा है, तो यहाँ से आप डीएमएक्स एसएमएक्स निकाल सकते हो। अगर मैं इस के जाके इसकी अगर मैं आइसोमेट्रिक व्यू कर देता हूँ, आइसोमेट्रिक व्यू करने के बाद इसकी अगर मुझे 3D देखना होता है ना, तो मैं यहाँ पे शेप एंड स्टाइल में जाके, शेप एंड स्टाइल में जाके यहाँ पे मैं इसको ऑन करके ये देख सकता हूँ, ठीक है। इसको आप जूम कर, और सॉरी मैंने इसको माउस को स्क्रिप कर दिया, तो ये क्या है ना, स्क्रोल मत कर देना, स्क्रोल करने से ये चला जाता है। तो मैं इसको कभी कभी हम दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो जूम करने से वो चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा ये हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ तक अपना हो गया था, तो दोबारा करना पड़ा है, आपको भी दोबारा करना पड़ सकता है। इसके ऊपर स्क्रोल मत कर देना, ये जो है इसके ऊपर स्क्रोल मत कर देना, फिर ये क्रैश हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर जूम करना है तो यहाँ से जूम कर लेना, जूम इन इधर से जूम कर लेना, कि विंडो में जूम करना है, किसी पॉइंट में जूम करना है तो यहाँ से जूम कर लेना, उससे में मत कर देना, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा आपको भी, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया है, स्टाइल जो है देखने के लिए यहाँ पे जाके स्टाइल में जाके, यहाँ पे शेप एंड स्टाइल में जाके ऑन करके अप्लाई कर दो। इसको आइसोमेट्रिक में देखना है, आइसोमेट्रिक में देख सकते हो, जो जो व्यू में देखना है, मैं यहाँ पे टॉप व्यू है, ठीक है। इसको जूम करना है तो यहाँ पे मान लो कौन सा है, जूम मॉडल, ठीक है, यहाँ पे जूम बैक, ये क्या है, जूम इन। तो जैसे जैसे करना है आप उसको जूम करके देख सकते हो। तो यहाँ पे भी हम जूम मॉडल जो है ऐसे हम करके इसको जूम करना है,
ऐसे जूम कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। उसके बाद जो है टॉप व्यू कर लेना। उसके बाद अगर सेंटर पे ले आना है, सेंटर पे ले आने के लिए भी आप यहाँ पे ऑप्शन है जूम आउट जूम इन की, सेंटर पे लाने के लिए यहाँ पे सेंटर ला सकते हो। शॉर्ट में जाके मैं शेप एंड स्टाइल में जाके, शेप एंड स्टेप में जाके इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, ये मेरा काम का नहीं। या तो हो गया, हर पॉइंट में मैक्सिमम डीएमएस कितना है सेम आ रही है उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हो। अब आप आते हैं, अभी जो आप आते हैं आप एलिमेंट टेबल में आएंगे, ठीक है। एलिमेंट टेबल में क्या होता है, यहाँ तक करने से मान लो इंटरव्यू होता है, यहाँ से करने में लगभग आपका जो है 60% काम हो गया। अब बाकी जो 40% काम है यहाँ से सारा कैलकुलेशन वगैरह निकालने का काम होता है, ठीक है। इसको हम प्लॉट कंट्रोल को हटा देते हैं। अब अपने को करना यह है इस एलिमेंट टेबल में जाना है। एलिमेंट टेबल किसकी जाना है, जनरल कॉस्मिक का। यहाँ पे देखो आपको एलिमेंट टेबल कौन सा है, ये एलिमेंट टेबल है। एलिमेंट टेबल में जाऊंगा, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, डिफाइन टेबल, डिफाइन टेबल में जाऊंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को स्ट्रेस सेलेक्ट करना है। क्या करना है मेरे को, स्ट्रेस, स्ट्रेस में लूंगा यहाँ पे। स्ट्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको देखो अलग अलग ऑप्शन मिलता है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा नहीं, यहाँ पे मैं लेवल लिखूंगा। सबसे पहले लेवल लिखने के बाद यहाँ पे मैं पहला स्ट्रेस निकालूंगा, स्ट्रेस, ठीक है, STR स्ट्रेस, ठीक है। सबसे पहले जाऊंगा बाई सिक्वेंस नंबर में जाऊंगा, LS में जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक डालूंगा, ठीक है, अप्लाई कर दूंगा। तो मेरा स्ट्रेस बन गया। अब मेरे को स्ट्रेन चाहिए, STRAIN, ठीक है, स्ट्रेन चाहिए। स्ट्रेन में भी सेम नंबर पे, सेकंड नंबर पे जाऊंगा यहाँ पे, लेकिन इसमें जाऊंगा, इसमें जाके जाऊंगा। स्ट्रेस के लिए LN रखना है, LS रखना है, और जो आपकी स्ट्रेन है उसके लिए LEP EL में रखना है, ठीक है, 1 1 रखना है। यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको जो हटाना है तो इसको हटा दो, सिंपली दोनों रह जाएगा, ठीक है, क्लोज कर दो। तो दोनों आ गया आपका। तो अभी देखो मेरा स्ट्रेस भी आ गया, स्ट्रेन भी आ गया, तो स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों कर दिया मैंने। के अब मुझे इसकी प्लॉट रिजल्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा प्लॉट रिजल्ट, प्लॉट रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे हल्का सा नीचे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं जनरल प्लॉट रिजल्ट, ये रहा प्लॉट रिजल्ट। प्लॉट रिजल्ट किसका करा है हमने, किसी एलिमेंट का करा है ना, तो हम ईएम टेबल जाएंगे, एलिमेंट टेबल में जाना है आपको, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट टेबल का निकल रहा है। एलिमेंट टेबल निकलेंगे, यहाँ पे स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस में करना है अप्लाई, ठीक है, अप्लाई कर दो। यह देखो आपका स्ट्रेस निकल गया, हर एक मेंबर पे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है आपको यहाँ पे निकल गया, हर एक मेंबर का पॉइंट का। ये जो सीजन लिख के आता है ना, कहाँ से मिला था मुझे, यहाँ से मिला था, जो मैंने कहाँ से गया था, यहाँ पे नंबरिंग में जाके ये जो मैंने ऑन कर दी, ये ऑफ, अगर ऑफ रहेगा ना तो ये जो वैल्यू लिख के आ रहा है ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऑन कर लोगे, जैसे बैकग्राउंड में कुछ चीजें है इसको हम इसको करके आगे ला सकते हैं, बैकग्राउंड में कुछ नहीं है मेरा। मैं क्या करूंगा, एलिमेंट टेबल में जाके स्ट्रेस निकाल दिया मैं, अभी स्ट्रेन निकालूंगा, स्ट्रेन करूंगा। ये तभी कर पाओगे जब आप जाके सबसे पहले जाके डिफाइन टेबल, टेबल डिफाइन करोगे तभी ये चीजें निकाल सकते हो। अगर टेबल वगैरह पहले डिफाइन नहीं करते हो तो सारा चीजें आप नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहले आपको टेबल डिफाइन करना है, टेबल डिफाइन नहीं करोगे तो ये नहीं निकाल पाओगे। स्ट्रेन में जाऊंगा, अप्लाई कर दूंगा, देखो अभी स्ट्रेन भी आ गया। अब मैं स्ट्रेन ले लिया, स्ट्रेस ले लिया, अब देखो ये वैल्यू जो निकल गया आ रहा है, आपको कैसे करना है, प्लॉट कंट्रोल में जाके कैप्चर कर लेना है। स्ट्रेस का अलग से कैप्चर करो, स्ट्रेन का अलग से कैप्चर करो, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएंगे। कहीं पे शो करना होगा, कहीं पे दिखाना है, तो यहाँ से आपको सारा चीजें मिल जाएंगे, ठीक है। तो पता लग गया ना, अब स्ट्रेस कैसे निकालना है। मेरा जो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन पे देखो मैं क्या क्या निकाल लिया। तो मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, क्वेश्चन में मेरे को क्या निकालना है, स्ट्रेस स्ट्रेन निकालना है। डिफ्लेक्शन ऑफ ई पॉइंट मैंने निकाल लिया, यहाँ पे देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कितना दे रखा है, जो 7 नंबर पॉइंट है रोलर सपोर्ट दिया रहा है उसकी डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन निकलेगा कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से स्ट्रेस स्ट्रेन कितना आ रही है, यहाँ पे दे रखा हूँ मैं कहीं पे, एस्टीमेट द हॉरिजॉन्टली लोडिंग 7 रोलर सपोर्ट एंड फिक्स अप, डिटरमाइन द नोड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, कितना नोड्स है डिस्प्लेसमेंट में कितना है वो निकाल लिया। एलिमेंट स्ट्रेस एंड है, मतलब एलिमिनेट करना है इसको, निकालना है। स्ट्रेस स्ट्रेन मैंने गलत लिख दिया है, इसको निकालना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालना है मुझे यहाँ पे, ठीक है, दोनों मुझे चीजें निकालना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर सेव फोटो कैसे सेव करना है, एक एक ऑपरेशन करते जाना, जैसे हमने पहले स्ट्रेस निकाला उसका फोटो को निकाल लो, यहाँ से जाके सीधा कैप्चर कर लो। स्ट्रेन निकालना है उसको कैप्चर कर लो, डिफॉर्म कॉन्ट्रोल प्लॉट करा, नोजल सोल्यूशन करा उसका प्लॉट निकालना है तो उसका निकाल लो। तो इस तरीके से उसको दोनों तरीके से आप निकाल लो, ठीक है। तो ये क्या था बेसिकली, यहाँ पे तीनों रिजल्ट हमने निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है पड़ेगा ना, इसको एक एक करके, एक एक करके आपको DMX, SMN, SMN और SMX, ये तीनों वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये तीनों फेलो जो है कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे आपको बता दिया। एक एक चीज आपको लिख के रखना है, कहाँ पे क्या यूज करना है, कौन से जगह में कैसे बनाओगे, कौन से कैसे फेलो करोगे। कभी कभी करते करते दोबारा गलती हो जाता है, तो उसके लिए आपको डिलीट में जाके कर सकते हो, ठीक है। डिलीट में जाके ऑप्शन मिल जाता है, तो वहां से जाके कर सकते हो कि मैं इसको डिलीट कर देना है,
वहां से जाके उसको सिंपली कर दो। क्लियर? तो कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कैसे कैसे करना है एक बार इसको देख देख के करने से पहले ना एक बार मेरा सारा चीज एक बार देख लो, कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे कैसे कर रहा हूँ, कैसे कैसे हो रहा है, सारा चीज इसमें कर लो। उसके बाद जो है फिर खुद से करना, एक बार लिख लेना मैं जैसे जैसे स्टेप कर रहा हूँ, कौन से स्टेप कहाँ पे मिल रहा है, उसके बाद आप कर लेना, डायरेक्ट मत कर देना। अगर डायरेक्ट करने लग जाओगे पता नहीं चलेगा, एक बार खुद लिख लेना फिर कर लेना, दो बार कर लेना, एक बार करने से नहीं होगा, दो बार कर लेना। पहले मेरा नोट बना लो जो मैं सिखा रहा हूँ उसकी नोट बना लो, फिर दोबारा क्या करना है उसको इसको करके देखना है अपने को। एक स्टेप अगर मिस कर देते ना गलती से पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो इसको आपको सेव कर देते उसके बाद। ठीक है, तो किसी फाइल को यहाँ पे देखो सेव ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है सेव कर दिया मैंने इसको। तो ये इसी तरीके से जो है आप किसी भी फाइल को, आप किसी चीज को भी सेव कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया। तो ये था बेसिकली आपका ट्रस्ट का, ट्रस्ट मतलब किसका, मेंबर का, हमने करा है मेंबर का और हमने ट्रस्ट एनालिसिस करा है। अब उसके आगे जो करूंगा मैं बीम का करूंगा, उसके आगे मैं पाइप का करूंगा, तो एपीडीएल में कुछ कुछ चीजें आपको करना करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मोमेंट आएगा कुछ, जैसे आपने हमने फोर्स लगाया, अभी प्रेशर आएगा, प्रेशर और फोर्स में डिफरेंस होता है मेरे दोस्त। ये चीजें चीजें आपको पता करना है ना, ये सारा चीजें अगर आपको पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये सारा चीज अगर पता करना है ना तो आपको करना पड़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बुक पढ़ना पड़ेगा। लोड क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारा चीजें पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत सारा चीज इजी हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बहुत ईजी है, इतना भी टफ नहीं है सारा चीजें। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि डीएमएक्स क्या होता है, एसएमएक्स क्या होता है। जो डीएमएक्स होता है ना वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, और जो एस एम एक्स होता है मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो वो आपका वैल्यूज जो होता है वहां पे आपको मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, जब इसकी पूरा कैलकुलेशन करते हो तो एक जो है स्नैपशॉट हमेशा बना के रखना है। कभी कभी आपको बहुत कुछ चीजें प्रेजेंट करना पड़ता है, उस केस में आप सारा चीज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, जब भी आप सोल्यूशन में जाते हो, सोल्यूशन में जाके जब आप इसको सॉल्व कर देते हो, परंतु ये पहला जो चीज है यहाँ पे सोल्यूशन इज डन आना चाहिए, ये चीजें नहीं आएगा तो फिर आपको गलती हो जाएगा। दूसरा चीजें आपको क्या करना है, दूसरा चीज है जब आप इसको जनरल प्रोस्पेक्टर में जाके नोडल सोल्यूशन कंट्रोल प्लॉट में जाके, आप कंट्रोल प्लॉट में जाके नोडल सोल्यूशन करते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से करते हो, ये भी चीजें आपको होना चाहिए, यहाँ पे डीएमए एस एम एक्स आपको आना चाहिए। तो ये सारा चीज है, ये मैं फाइल आपको शेयर कर दूंगा इसके साथ ही एक फोल्डर पे। ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर कुछ चीजें कहीं पे भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो बहुत कुछ चीजें मैंने जल्दी जल्दी बताया, जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करा कि सारा चीज आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे परमैक्सिमम लिमिट देखो उस हिसाब से कितना है यहाँ पे, तो ये है एनसी, इसमें क्या होता लग गया, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, मिनिमम स्ट्रेंथ कितने का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीजें आपको पता लग जाएगा। रेड इज ए डेंजर जोन, ठीक है, ब्लू नॉर्मल, ब्लू में कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो एरिया ब्रेक होगा ना, कौन सी मैक्सिमम जहाँ पे प्रेशर लोड करेंगे यहाँ पे बढ़ रहा है, ये वाली पॉइंट, 1 2 3 4, चार नंबर जो है यहाँ पे मैक्सिमम लोड पड़ रहा है। तो सबसे पहले ये कौन सी एरिया ब्रेक होगा, तो ये वाली एरिया, रेड वाली एरिया जो है यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा, यहाँ पे आपको अलग से सपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, कभी जब भी उस चीज एनसीएस में करते हो तो आप कर सकते हो, जो ये मेरा ब्रिज है कहाँ पे मैक्सिमम लोड आ रहा है, कहाँ पे डेंजर जोन में आ रहा है, तो ये मेरा डेंजर जोन है जो 4 नंबर वाला है, 1 2 3 4, 4 नंबर, 5 6 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, है ना, 1 2 3 4 5, हाँ ये तीनों डेंजर में है, 3 4 5 बहुत डेंजर है, ये डेंजर एरिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना है तो एक्स्ट्रा सपोर्ट वगैरह लगाना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ भी चीजें बनाते हो एनसीस में, कोई भी एनालिसिस करते हो, तो ये हाईलाइट कर देता है कि कौन सा एरिया वीक जोन है, कहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगाता हूँ, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना वो पूरा चेंज हो जाएगा लोड वगैरह के लिए। तो मैं फिक्स सपोर्ट लगाऊंगा तो यहाँ पे स्ट्रेस, कहाँ पे स्ट्रेस, या जो ट्रस्ट है ना यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा, यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा ना, तो ये कॉन्सेप्ट समझना है, मैं कहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगाऊंगा। देखिए, अब जब अब स्ट्रक्चर इंजीनियर बनते हो ना, तो आपको ये करना है, पहला तो फिक्स सपोर्ट होगा, आगे रोलर सपोर्ट है, अगर यहाँ पे मैं रोलर सपोर्ट लगाऊंगा तो मेरा डिफॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप करके देख सकते हो कि मैं कहाँ पे रोलर सपोर्ट के लगा के लिखूँ, कहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगाऊंगे मैं। अगर यहाँ पे मेरा ये तीन डेंजर जुड़ेगा, अगर मैं इसको फिक्स सपोर्ट कर देता हूँ तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इस एरिया में होगा, और यहाँ पे होगा, यहाँ पे मतलब डिफॉर्मेशन होगा, है ना, क्योंकि प्रेशर पूरा पड़ेगा ना, इस एरिया में हाईलाइटेड होगा, मतलब डेंजर जोन इस एरिया में आएंगे, तो ये थोड़ा सा आपका परमिसेबल लिमिट में आ जाएंगे। तो ये देखना है कहाँ फिक्स लगाऊंगा, कहीं पे मोमेंट लगाना पड़ता है, कहीं पे प्रेशर लगाते हो, कहीं पे फोर्स लगाते हो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। प्रेशर फोर्स तो आपके हाथ में नहीं है, ये एरिया के ऊपर होता है ना,
कभी जो भी चीजें करते हो ना, आगे बताऊंगा आगे बहुत कुछ चीजें आपको आएंगे, तो कुछ भी चीजें करते हैं ना तो आपकी वो जो वहाँ के एनवायरमेंट है उसके हिसाब से सारा चीजें होती है। आपके हिसाब से आप कहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगा सकते हो, कहाँ पे रोलर सपोर्ट लगाओगे, कहाँ मूवमेंट होगा, कहीं पे मैं अलग से सपोर्ट देना पड़ेगा, वो आपके हाथ में है, तो वो सारा चीजें आपको करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही है, होप अच्छा लगा। कुछ चीजें पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, कुछ चीजें डाउट वगैरह हो तो कहीं पे इसको जरूर कर लेना। ऐसे चीजें करोगे ना आगे आगे ऐसा ऐसा चीजें मिलेंगे। और मैं देखो, मैं हाफ में भी कर सकता हूँ, स्ट्रेम में जो क्वेश्चन है उसमें मैं स्ट्रेस स्ट्रेन निकालना पहले वाले क्लास में नहीं बताना चाहता था, लेकिन फिर भी बता दिया। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपका हाथ चलते रहे। कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा प्रोसेस सेम होता है, बाकी बहुत कुछ चीजें आपको अलग अलग होता है, ठीक है। तो एपीडीएल में भी करवाना पड़ रहा है, क्योंकि कल अगर मान लो आप मास्टर्स करने जाते हो, एमटेक करने जाते हो ना, तो एपीडीएल में आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने एमटेक भी करा है, तो एमटेक में क्या करा है, जो मेरा प्रोजेक्ट सबमिट किया था ना एनालिसिस के ऊपर, तो यहाँ पे एपीडीएल में करना पड़ता है, वर्कबेंच में करना पड़ता है। वहाँ पे मैंने करा, कहाँ पे करा था, मैंने बेसिकली गुजरात से करा था। मैं क्लास नहीं जाता था, एग्जाम देने जाता था मैं, ठीक है। तो वैसे करता था मेरा, कुछ थोड़ा सा मेरा जुगाड़ था वहाँ पे। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो, इस तरीके से करोगे ना तो सारा चीज आपको पता लग जाएगा। एपीडीएल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, ठीक है। एक बार सारा चीजें समझ लो, कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, प्रोस प्रोसेसर क्या होता है ना, प्रिफरेंस क्या होता है, कौन सी एनालिसिस करते हैं उसमें देखते हैं, प्रोस प्रोसेसर में हम क्या करते हैं, प्रोस प्रोसेसर में कौन सा एलिमेंट है, बीम है, लिंक है, जो भी हम वहां से रिसेट करते हैं उसको हम मॉडलिंग करते हैं, इसकी मेशिंग होगा तो मेशिंग करेंगे हम, ठीक है। बहुत कुछ सारा चीजें आती है, तो यहाँ पे प्रोस प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्री प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें बहुत कुछ सारा चीज, सारा मॉडलिंग वाला काम इधर ही होता है, सब मॉडलिंग वाला काम इधर ही होता है। ये 3D भी बना सकते हो आप, ये तो मैं 2D में लिंक बना के दिखा रहा हूँ, 3D भी बना सकते हो, है ना। 3D में देखना है, क्योंकि 2D में भी हमने 3D बना लिया, क्योंकि हमने इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, तो इसमें 2D में भी हमने 3D बना लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह देखे, ठीक है। अगर हम लोग मान लो इसमें 3D बनानी है, तो 3D XYZ वैल्यू डाल के भी 3D डाल सकते हो आप, वो भी चीजें इसमें कर सकते हो। क्या होता है रियल कॉन्स्टेंट में, हम कैसे आपको सेक्शन एरिया दिया वो बताया मैंने, एलिमेंट टाइम स्ट्रक्चरल होता है, कौन सी मेटल प्रॉपर्टीज में मेटल की प्रॉपर्टीज डालने के लिए काम आता है, सेक्शन में हम अलग अलग सेक्शन डालते हैं, बीम है, सेल है, जॉइन है, पाइप है, लिंक है, जो भी हम इसमें सेक्शन डालते हैं। मॉडलिंग में हर एक चीज हम बनाएंगे, की पॉइंट से बनाना, लाइन से बनानी है। ऑपरेट में क्या करेंगे, हम दूसरे पॉइंट को हम किसी 3D को, 3D में मान लो ये 2D है, इसको हम इसको सबट्रैक्ट करना है, इसको यूनिट करना, दोनों को एक करना, तो ऑपरेट से होता है, ठीक है। मूव एंड कॉपी पता है, ये सब रिफ्लेक्ट वगैरह ये सब पता ही है आपको, इसमें ज्यादा यूज नहीं होता है, मूव कॉपी रिफ्लेक्ट वगैरह तक यूज होता है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता है जीएमएस वगैरह जो है। उसके बाद अगर मेशिंग में आते हैं, ठीक है, तो मेशिंग में क्या होता है, मेशिंग जो प्रॉपर्टी होती है ये मैश करने में काम आता है, जब कोई चीजें अलग अलग क्या करते हैं, अगर एक अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट मेशिंग करोगे वैल्यू नहीं आएंगे, अगर इसको हम मान लो 1000 पीसेस में इसको इकट्ठा कर दें, 1000 पीस के मैश कर देंगे ना, तो उसका रिजल्ट जो आएंगे ना एक्यूरेट आएंगे। मैश बहुत इंपॉर्टेंट है, मैश जो है अलग अलग टाइप का मैशिंग आता है, वो आगे आपको बताऊंगा मैश के टाइप के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर कंट्रोल वगैरह आती है, उसमें कपल सीक्वेंस वगैरह आती है, उसके बाद आपका लोड आता है, ठीक है। लोड होता है क्या, लोड एनालिसिस टाइप, कौन सी एनालिसिस है, डिफाइन लेना, जो भी सोल्यूशन में क्या करते हैं हम, जो भी करते हैं उसके एनालिसिस टाइप क्या होता है, डिफाइन क्या क्या लोड होता है, लोड है कि प्रेशर है, ठीक है, स्ट्रक्चरल है, या प्रेशर में हम प्रेशर करेंगे, टेम्परेचर होगा, अगर हम हीटिंग वगैरह में आते हैं, ठीक है, तो कंडक्शन कन्वेक्शन में आते हैं, तो हमें 10% वगैरह डालना पड़ता है। तो हम कुछ कुछ चीजें एपीडीएल में करेंगे, कुछ कुछ जो वर्कबेंच है हम उसमें करेंगे, तो लेकिन एपीडीएल भी तो बहुत जरूरी है, कि वो एपीडीएल वगैरह नहीं करते हो तो फिर मतलब नहीं है, ठीक है। फिर हम आते हैं जनरल प्रोस्पेक्टस में, इसमें क्या होता है, जो आपने सोल्यूशन वैल्यूज वगैरह वैल्यू पुट करोगे, जो लोड प्रेशर वगैरह सेट करोगे, उसको सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा एनालिसिस चाहिए, सारा प्रोसेस उधर ही कर लोगे, लेकिन यहाँ पे वो चीजें निकालना पड़ता है, एनालिसिस वाला वैल्यूज निकालना पड़ता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ता है, ठीक है, कैसा आ रहा है, इसको प्रेशर सही है, कि अब बहुत सी चीजें आएंगे, मैं चाहता हूँ फाउंड में से स्ट्रेस क्या आ रहा है, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल क्या आ रहा है स्ट्रेस का, ये सब चीजें कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे आपको, जनरल प्रोस्पेक्टर से मिलेंगे आपको, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारा चीजें मिल जाएंगे, ठीक है। वेक्टर प्लॉट क्या होता है, क्वेरी डिफाइन क्या करना पड़ेगा, ठीक है, प्लॉट कंट्रोल आइटम क्या करूंगा, ऑन ग्राफ सही है तो आप ग्राफ से भी निकाल सकते हो, लिस्ट कंट्रोल में क्या आती है, तो ये बहुत कुछ चीजें आएगी यहाँ पे, इतना अभी आपको पहले पहले क्लास में जरूरत नहीं है, आगे आगे कुछ कुछ चीजें आपको आते जाएंगे। टाइम हिम प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या वैल्यूज वगैरह डाल सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर कभी कभी यूज होता है। सेशन एडिटर में क्या होता है, जो अभी आपने ये चीजें निकाला है ना, तो यहाँ से आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे कंप्यूटर में 0101 करके कर सकते हो ना, तो यहाँ से भी आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, अगर कुछ गलती हो जाता है तो, ठीक है, जैसे मैंने 101 डाला, यहाँ से भी आप वैल्यू वगैरह चेंज कर सकते हो।
ये भी एक शॉर्ट सेशन एडिटर होता है, ये भी बहुत बाद में एडिट करने के काम आता है। कभी कभी मेरे पास जब मैं वहाँ पे था ना, दिल्ली में था, उत्तम नगर पे, तो वहाँ पे आईआईटी वाईटी का स्टूडेंट भी आते थे कि सर इसको एक प्रोजेक्ट बनानी है। उसके प्रोजेक्ट थोड़ा सा टफ होता है, काम करा भी है हमने, तो यहाँ पे से भी आप कुछ चीज़ें सेंस कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लिए इतना ही है, बहुत चीज़ें मैंने बता दी आपको पहली क्लास में, थोड़ा सा ध्यान से करना, कुछ चीज़ें पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।